सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें डेली वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साइकिल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये लेंथ है मेरा 41, चेस्ट है 80, कमर है 60, हिप है 90, दामन 22, स्लीव्स के का लेंथ है 70, स्लीव सर्कल 11। ये मैंने 10 मीटर कपड़ा ली हूँ। आइए मैं इसे 4 फोल्ड करती हूँ। मैं इसको अलग अलग पीस काटती हूँ, फ्रंट और बैक। जैसे कि ये मैं फ्रंट का मेजरमेंट कर रही हूँ। मेरा लेंथ है 37। मैं सिलाई, मेरा लेंथ है 41। मैं 2 इंच सिलाई के लिए रखती हूँ। शोल्डर 6.5। आर्म होल जितना मैं शोल्डर रखती हूँ उतना ही मैं आर्म होल भी रखती हूँ। चेस्ट है 18, तो मैं 2 भाग में करती हूँ, तो 9 का 9 उतने 18 हुआ। इसमें मैं 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखती। यहाँ से 13.5 इंच में कमर ले रही हूँ, 13 इंच कमर ले रही, 19 इंच हिप ले रही। इसमें मैं 2 इंच बढ़ाऊंगी, 2, 8 और 10 होगा। हिप जितना मैं चेस्ट रखती हूँ उतना ही हिप रखती हूँ। आइए हिप में 11 ही रखती हूँ, लेकिन हिप की चाप मोड़ने के लिए 1/2 इंच 1 इंच बढ़ाती हूँ। आइए अब मैं इसको इससे निशान लगा देती हूँ। मेरे हर जगह पे बढ़ाती हूँ इसका गोलाई के। इसका मैं
जगह रखती हूँ। इसको मैं हाफ इंच गहराई से निशान लगा, दामन रखी हुए 14, इसको मैं थोड़ा इलेवन टाइप से बनाऊंगी। ऐसे मैं क्रॉस निशान देती हूँ, तरीके से ये हुआ। इसको मैं फिर से इस पे डाल दूंगी, ऐसे डाल के फिर से मैं इसी पे दूसरा पार्ट काट दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आइए ये मेरा स्लीव्स है, 17 तैयार स्लीव्स है मेरा 17 इंच। इसको मैं आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखती हूँ। इसमें मेरा 11 इंच गोलाई है, वो मैं 5.5 इंच इसको रखूंगी। डेढ़ इंच में सिलाई के लिए रखती हूँ सिलाई का मार्जिन, 5.5 इंच मेरा तैयार। ये है मेरा तैयार, ये है मेरा सिलाई का मार्जिन। आइए मैं कटिंग करती हूँ। लंबा लगा लेती हूँ मेरे साथ, अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ।
कट जो रहेगा, मैं 16 इंच 18 इंच रखी हूँ, इसमें फिर मैं 1.5 इंच मोड़ने में जाएगा, मोड़ने का मार्जिन रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको सिलाई करती हूँ, ये मैं इसके लिए कपड़े काटती हूँ, इसको मैं भी यहाँ सिलाई करती हूँ, इसको इसके बराबर में रखना है यहाँ पे। अब इसको यहां से मैं फोल्ड करती हूं, इसे यहां पे ऐसे नाखून से सिलाई बैठा देंगे। यहाँ पे पहले मैं एक गाप सिलाई सिलाती हूँ, फिर धागा निकला रहेगा उसको साफ करते हुए सिलाई करना। अब ये कपड़े जो है इसको मैं दूर पर करूंगी, सिलाई यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी इसलिए मैं इसको दूर पर करूंगी। ऐसे फिलहाल मैं कच्ची सिलाई मार देती हूँ। कर देंगे तो फिर ये सिलाई को खोल देंगे। इसको मैं ऐसे
हिस्से करके पहले पेपरिन बैठा देंगे, वो छोटे वाले हिस्से। मैं इतनी इतनी दूरी पे थोड़ा डिजाइन डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैं बटन डालूंगी। सिलाई में बड़ी करी थी तो मैं भी छोटी करी। अब मैं इसको ये बड़े वाले हिस्से को, छोटे वाले हिस्से को मैं ये लूपी लगा ली, और ये बड़े वाले हिस्से को ऐसे मैं इसके ऊपर बैठा कर सिलाई चलाऊंगी। तो इस पे मैं ऐसा करके ये बटन बैठा दूंगी, ये बटन इसको मैं ऐसे ऐसे इस पे डाल दूंगी। कितनी फिनिशिंग, कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे ही मैं डिजाइन बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको तैयार करके बता दूंगी। अब ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं ये कपड़ा इसको अलग से इस पे फिर सिलाई चलाऊंगी। मैं नीचे से लूंगी ताकि इसका जो कपड़ा बचेगा उसको मैं अंदर छोड़ दूं। मैंने हम बोल रहे तुम ले लेंगे, यहाँ से इसका सिलाई स्टार्ट कर दूं। ये छोटे वाले हिस्से तो मैं ऐसा सिलाई करूंगी। अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, ज्यादा मेहनत नहीं है, आसानी से बन जाता है। अब मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, उसके बाद फिर आपको समझ आएगा। एंड तक लेकिन जरूर देखें। अब इसको मैं ऐसा करके ये करूंगी ताकि ये सिलाई बराबर में आ जाए। इसको नाखून से मैं ऐसे ऐसे करके बराबर करूंगी, फिर इसके ऊपर मैं दाब सिलाई चलाऊंगी। इस पे मैं अभी पहले दाब सिलाई चलाती हूँ, उसके बाद फिर उसको मैं फिनिशिंग से बैठा लूंगी। यानी तो कपड़ा लगाकर पीछे से मोड़ दो, ये आती है, लेकिन मैं कपड़ा लगा के पीछे से मोड़ती हूँ, ये फिनिशिंग ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप वैसे भी मोड़ना चाहते हैं मोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर। अब इस पे मैं ऐसे दाब सिलाई अच्छे से बैठा दूँ। आप चाहे तो इसको पैक कर दें, लेकिन मैं साइड कट इसलिए बोले हूँ, साइड कट ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे करके।
से कपड़ा को बैठा कर हल्का से कपड़ा चढ़ा लें, हल्की से सिलाई मार दें। बस ये हो साइड कर, अब ये तैयार हो गया। ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया। अब ये जो बचे हैं इसको मैं कच्ची सिलाई निकाल के तुरपाई कर दूंगी, इसको भी मैं ऐसे मोड़ के तुरपाई कर दूंगी। अब आइए अब मैं गला बताती हूँ। हाँ तो ये सिलाई हो चुका है, तो अब यहाँ से ये जो गला है बुनाई इसको मैं ऐसे कट के कट कर दूंगी, सिलाई ना दूंगी ध्यान से। उसके बाद फिर मैं इसको गले को ऐसा करके बैठा लूँगी। कैनवस डाली, फिर मैं इस पर डार्क सिलाई चलाऊंगी। ये गले पे मैं डार्क सिलाई चला लूँ। ये डार्क सिलाई चलाने से ये गला परफेक्ट बैठ जाता है। इसी तरीके से मैं बैक साइड का गला काट लूँ। ये बैक साइड है, इसका मैं 3 इंच ऐसा करके नापूंगी। ये इसका मैं बैक साइड का गला 3 इंच का रखती हूँ, 3.5 कर देती हूँ, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इसको मैं बॉक्स बनाती हूँ, फिर इसके मैं गोलाई देती हूँ। अब इसी नापे में इस पर इसी नापे में ऐसे रख के इस पर गला कट कर। अब मैं यहाँ से बैक गला रेडी करती हूँ। ये बैक पल्ले को ऐसे बढ़ाऊंगी ऐसे करके, फ्रंट वाले को इतना हटा के रखूंगी ताकि इसको मोड़ने में कुछ समझ में आए। अभी मैं आपको सिलकर बताती हूँ। इसको मैं ऐसे एक सिलाई दाब सिलाई मार देती हूँ। Thank you.
कर लूंगी, ये आगे से भी फिनिशिंग है, पीछे से भी फिनिशिंग है। इसको ये मैं ऐसा डिजाइन बना रही हूँ, आस्ती में इसको देख। इसको मैं ऐसे करके गोलाई करके सिलाई करूंगी, यहाँ लाके रोक दूंगी, फिर इधर से उसी तरह से सिलाई करके आऊंगी, फिर ये गोलाई करके यहाँ अब इसके बीच में मैं यहाँ कट लगाती हूँ, सिलाई नहीं कटना चाहिए। फिर मैं ऐसे करके जैसे उधर सिलाई कर रही हूँ ऐसे सिलाई कर रही हूँ, फिर यहाँ से मैं सिलाई करके यहाँ कोने में लाई हूँ, फिर यहाँ से अब इस कोने पर मैं ऐसे कट करूँगी, ऐसा कट करूँगी तो सिलाई नहीं कटना चाहिए। और इसको मैं फिर फोल्ड करूँगी, ऐसे फोल्ड करूँगी कि ये इसका नुकीला निकलना चाहिए। इसे निकालने में थोड़ा ये होता है, दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, अच्छे मन से करेंगे तो सब अच्छे ही होगा। ये देखिए इसके ऊपर मैं डाप सिलाई चलाती हूँ, अब मैं इसको डाप सिलाई चलाऊंगी, इसी से डाप सिलाई चला दूंगी इस पर। जब मैं इस पर डाप सिलाई चलाऊंगी यहाँ कोना कॉर्नर पर आएगा, इसमें हमें सुई रोक दूंगी, फिर से मैं इसको इधर से ऐसे करूंगी, इधर का भी शेप देकर शेप देते हुए इधर भी डाप सिलाई में चला दूंगी। डाप सिलाई में चला दी, ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग बैठा है। अब इस पे मैं इसको यहाँ से ऐसे करके मोड़ के ये करूँगी सिलाई चला। अगर आप अलग से कपड़ा का पैकिंग डालती हैं ऐसे तो उस पर अलग तरह का धागा लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगाना वो आपकी मर्जी, वो हर एक जैसा भी करेंगे वो डिजाइन बन जाएगा। अभी वही चल रहा है, ये देखो ये मेरी मेरा स्लीव्स ये भी हो, ऐसे करके ये स्लीव्स में रेडी कर दी, ये स्लीव्स में रेडी कर दी। अब मैं इस पे स्लीव बैठा कर बताऊंगी। अब जो ये है ये बैक वाला पार्ट, वो पीछे की तरफ सिलाई होना चाहिए, आगे फ्रंट की तरफ नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ मैं कट करी हूँ आस्तीन पे, ये मैं कट की हूँ, इस कट को मैं यहाँ बैठा लूँगा यहाँ, और बराबर से मैं इस पे यहाँ से सिलाई चला दूँ। ऐसे करके मैं इस पर डबल सिलाई चलाऊंगी, और यहाँ से मैं इसको बैक साइड का भी बैठा लूंगी। कपड़ा
थोड़ा पकड़ने का ये रहता है, इसको ध्यान से सिलाई चला दें। बैक साइड से मैं सिलाई चला ली हूँ। डबल कर दूंगी, डबल कर ऐसे करके मैं दूसरी स्लिप भी बैठा दूंगी। ये मेरी स्लिप से लग गई इसमें। इतना प्यारा काम है, मेरी स्लिप लग गई यहाँ। अब ऐसे करके मैं इधर भी बैठा दूँ। जो मैं 5.5 इंच में लगाई थी, ये आस्तीन के राउंड गोलाई 5.5 इंच में रेडी है मेरी। अभी इसको मैं आस्तीन को फिट करूँगी, इसको पैक करूँगी। ऐसे करके मैं ये बगल वाली ये जो सिलाई है आमोर की स्लिप की, ये सिलाई मेरी स्लिप की तरफ होनी चाहिए, स्लिप की तरफ होनी चाहिए। यहाँ मैंने पहले निशान लगाई थी। हीट मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, यहाँ मैं सिलाई रोकी, फिर यहाँ फिर ऐसे करके मैं इस साइड भी सिलाई कर रही हूँ। अभी जैसे फिर मैं चाक बनाऊंगी, मैं चाक बना ली हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके मैं दूसरी आंटी में लगाई, फिर इस पर भी मैं जो मैं 5.5 इंच में लगाई थी, ये आस्तीन के राउंड गोलाई 5.5 इंच में रेडी है मेरी। अभी इसको मैं आस्तीन को फिट करूंगी, इसको पैक करूंगी। ऐसे करके मैं ये बगल वाली ये जो सिलाई है आमोर की, ये सिलाई मेरी स्लिप की तरफ होनी चाहिए, स्लिप की तरफ होनी चाहिए। यहाँ मैं पहले निशान लगाई थी,
यहाँ तक मेरा हिप मैं यहाँ रेडी करूँगा। यहाँ मैं सिलाई रोकी, फिर यहाँ फिर ऐसे करके मैं इस साइड भी सिलाई कर लूंगा। जैसे फिर मैं चार्ट बनाऊंगी, तो मैं चार्ट बनाती हूँ फिर आपको बताऊंगी। यहाँ मैं आपको चाक मोड़ने का सिखा दी। तो मैं चाक ऐसे बराबर में मोड़ लूंगी। चाक के पास आता है तो इसको ऐसे करके यहाँ सुई रोक कर फिर ऐसे हम लोग इसको मोड़ेंगे, और यहाँ इसको फिर से इसको बराबर में जितना फोल्ड वो मैं करी हूँ उतनी फोल्ड इसको करूँगी, और इसको फिर यहाँ सिलाई करूँगी, फिर यहाँ रोक दूँगी, फिर ऐसे रेडी हो गया है सिल के। अभी ऐसे बटन यहाँ टाल दो, या बटन ऐसे करके लगाना है आपको, और ये गले को तुरपाई करना है। देखिए कपड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा डिजाइन आप लोग भी बनाएं, और मेरी वीडियो को मेरी पूरी वीडियो देखिए आप लोग, और आप लोग देखे और आप लोग पूरी वीडियो मेरी देखे और सब्सक्राइब करें। मैं अभी ये YouTube पे नहीं आई हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।